हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल प्रियाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट बर्फी, जो कि बहुत जूसी है विदाउट मावा एंड विदाउट चाशनी, वो भी सिर्फ 10 मिनट में रेडी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये मिठाई बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है। उसके अंदर मैंने 150 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। ये अगर आप नाप से देखें तो 2.25 कप है, और इसमें मैं आधा आधा कप दूध थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी, यानी कुल 1 कप दूध हम इसके अंदर मिलाएंगे और इसे थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। गाइज, ये जो रेसिपी है ये बहुत इजी है, आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मिनटों में रेडी होती है और मार्केट से भी बहुत अच्छी बनती है। देखिए, आधा कप दूध हमने जो इसमें डाला था वो बिल्कुल एकदम गायब हो गया है, उसने पूरा सोख लिया है। तो हमें पूरा कप दूध इसके अंदर डाल देना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसके करने से हमारी जो नारियल बर्फी है वो काफ़ी जूसी बनेगी और एकदम सॉफ्ट रहेगी। और जब ये बन जाए तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी आपको खाना हो तो आप इसे थोड़ा सा माइक्रोवेव करके खाएं। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर आधा कप मिल्क पाउडर लिया है और 1/4 कप मैंने इसमें मिल्क डाला है। इसे हम अच्छे से विस्क कर लेंगे, इसके सारे लम्स हटा देंगे और इसे भी एक साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घर का बना हुआ घी डाला है, आप मार्केट का भी घी डाल सकते हैं। और जो हमने मिल्क पाउडर और मिल्क का मिक्स बना के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके लिए मैं स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो भी चिकनी चीज़ें होती हैं या जो चॉकलेट चिपचिपी सी चीज़ें होती हैं उनके लिए स्पैचुला बहुत अच्छा रहता है, उससे ये चीज़ें बहुत ईजिली निकल आती हैं। और हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, हमें 1 से 1.5 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम पर पकाना है। अब 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, इसके अंदर जो हमने नारियल का बूरा दूध के साथ मिला के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसे हम कम से कम 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। और इसे हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लगातार मिलाते रहना है, नहीं तो नीचे से लग जाता है। कंटिन्यूस हमें इसे मिक्स करते रहना है, और बहुत ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है। अब देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर आधा कप पाउडर शुगर डालेंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। इसे हमें 2 मिनट के लिए चलाना है, क्योंकि इस टाइम पर जो शक्कर है वो अपना पानी छोड़ेगी, और उसके बाद वो सारा पानी सूख जाए तब तक हमें इसे स्लो फ्लेम पर इसी तरह से भूनते रहना है। गाइस, 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर चुटकी भर सेफ्रॉन डालेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा इसमें रिच टेस्ट डेवलप करने के लिए हम इसमें केसर डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अगर आपके पास केसर ना हो तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर आप ये दोनों नहीं भी डालेंगे तो भी कोकोनट बर्फी का टेस्ट अपना ही है। अब लास्ट में मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें घी डाल रही हूँ,
घी से इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी रिच हो जाएगा, बहुत टेस्टी हो जाएगी हमारी नारियल बर्फी। और इसे हमें बस गैस ऑफ करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये एकदम चिपक रही है, मतलब जैसे इसको बाइंडिंग कंसिस्टेंसी पर ये आ गई है, तो हम यहाँ पर एक जो पॉट है जैसा भी आपको शेप का चाहिए, मैं यहाँ पर स्क्वायर ले रही हूँ क्योंकि स्क्वायर लेने से हमारे जो पीसेस है एकदम प्रॉपर शेप में आते हैं। और यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगा लिया है और उस पर भी मैं थोड़ा ग्रीसिंग कर रही हूँ, वो भी असली घी से आप कीजिएगा। यहाँ पर मैं बारीक पिस्ते की कतरन डाल रही हूँ, आप चाहें तो चारोली डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें यहाँ पर डाल सकते हैं, और नहीं भी डालेंगे तो भी कोकोनट बर्फी बहुत अच्छी बनेगी। अब हमने सारा मटेरियल इसके अंदर डाल दिया है और इसे हमें स्पैचुला से अच्छे से प्लेन कर लेना है, सेट कर लेना है अच्छे से। स्पेशली जो इसकी एजेस रहती हैं वहाँ पर हमें बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग देनी है और कॉर्नर से बहुत अच्छे से इसको प्रेस करना है ताकि ये चारों तरफ से इवनली हो जाए। अब हमें इसे मैंने 3 से 4 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख दिया था फ्रिज में। अब मैंने इसको उल्टा कर निकाल लिया है, इसका बटर पेपर भी हटा दिया है। अब आप देख सकते हैं इस पे ऊपर से पिस्ते सजे हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। गाइज आप चाहें तो यहाँ पर चांदी वर्क भी लगा सकते हैं, उससे ये बहुत अच्छी दिखेगी, बिल्कुल बाजार जैसी, पर मैंने यहाँ पर उसे यूज़ नहीं किया है। मैं यहाँ पर जो केसरी येलो कलर होता है उससे इसे डेकोरेट करने वाली हूँ। उससे वाइट एंड येलो का जो कलर कंट्रास्ट रहता है वो मुझे बहुत पसंद है। आप चाहें तो नारियल बर्फी बनाते टाइम इसमें केसर येलो कलर भी डाल सकते हैं जिससे ये एकदम बाजार जैसे येलो कलर की बनेगी, पर मुझे वाइट ज़्यादा पसंद है। देखिए थोड़ा सा केसरी कलर मैंने यहाँ पर पानी मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर एक एक ड्रॉप डालूंगी जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसे इस तरह से टीके की तरह भी लगा सकते हैं तो प्रॉपर एकदम गोल शेप आएगा इसका। यहाँ पर आप चाहें तो केसर की एक एक पत्ती भी रख सकते हैं। गाइज आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आई होगी, ये खाने में बहुत टेस्टी है। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ, ये काफ़ी जूसी है, ये बिल्कुल भी सूखी हुई नहीं लगेगी, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है बल्कि उससे भी अच्छी लग रही है। और मेरी माने तो बना के इसे आप फ्रिज में रख लीजिए ढककर अच्छे से किसी बॉक्स में डालकर, और जब भी आपको इसे खाना हो तब आप इसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करके फिर खाएं, तो उससे इसका टेस्ट एकदम ताज़े जैसा हो जाता है। और ये बिल्कुल भी 15 दिन तक फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। गाइज़ ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।